अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मांगलिक उपकारी है, जिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। मन रखने ती मेरी ते काज सब आज भरे, कर जोड़े वाले वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से जो कथा अपनी यहाँ चल रही थी, उस कथा में कल जीवंदर कुमार उनके हृदय में एक मरणासन्न कुत्ते को देखकर करुणा भाव जागृत हुआ, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। यज्ञ चल रहा था, हवन चल रहा था, ब्राह्मणों के माध्यम से, अन्य मतावलंबियों के माध्यम से कुछ ऐसा अनुष्ठान किया जा रहा था जिसके लिए सामग्री इकट्ठी की गई थी हवन में डालने के लिए। उस सामग्री को एक कुत्ते के माध्यम से झूठा कर लिया गया और सामग्री झूठा होने पर उन लोगों ने इतना पीटा कुत्ते को, भगाना भी उपाय हो सकता था, भगाया भी जा सकता था, लेकिन इतना पीटा कि वो मरणासन्न हो गया, मानो मरने वाला हो कुछ समय में ही। और जब हाथ से बाहर निकल जाती है गाड़ी तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आती। एक बार जब एक लिमिट क्रॉस हो गई ना, अब सोचो कि संभल जाए, अब तबीयत नहीं संभलेगी, अब उसे बचाया नहीं जा सकता, अब उस कुत्ते को। जीवंदर कुमार ने भी बहुत प्रयास किए लेकिन शायद वो बचाने में सफल ना हो पाए। देखिए चर्चा तो होगी आगे, जीवंदर कुमार द्वारा कुत्ते को णवकार मंत्र सुनाना। णवकार मंत्र सुनाया जा रहा है, 210 नंबर का यह पेज है, 8 नंबर का श्लोक, चौथे अध्याय का। परलोकार्थमस्यायं पंच मंत्र मुपादिशत, निर्वाण पथ पान्थानां पातेयं तद्धि किं परे।
अन्वयार्थ जीवंधर कुमार ने कुत्ते को कुत्ते का परलोक सुधारने के लिए पंच नमोकार मंत्र का उपदेश दिया। देखिए ये नीचे चित्र भी यहाँ दिखाया है, मरते हुए मरणासन्न अवस्था। और देखा आपने ये कुत्ता जो मरा हुआ दिख रहा है, ये राइट साइड में तो दिख रहे हैं जीवंधर, तो ये लेफ्ट साइड में कौन खड़ा है? ये कुत्ते में से ये आत्मा निकली और निकल करके ऐसे बादल शेप में दिखा दिया है ना चित्र में, क्या माने वो कुत्ता मर करके देव बन गया। माने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। देखिए नीचे अत्र नीति है, कारण की बहुत कहने से क्या यह नमोकार महामंत्र मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए कलेवा है। कलेवा जानते हैं? नाश्ता, मॉडर्न नाम हो गया नाश्ता। नाश्ता वैसे कलेवा शब्द का प्रयोग खाने खाने के लिए होता ही है, हाथ में कलावा बांधते कलेवा, मूली का दाग, नाश्ता कह दो इसको। इन्होंने क्या अर्थ किया है यहाँ? नाश्ता, रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति चल रहा हो तो उसको रास्ते में सहयोग प्रदान करने वाला। माने नमोकार मंत्र की ऐसी अद्भुत महिमा है, जो कोई जीव मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता हो, पाथेय माने चलने वाला व्यक्ति, उसके लिए यह कलेवे का काम करता है, कलेवा का काम करता है। सरल अर्थ देखें, कुत्ते का जीव जीवित रहना अशक्य जानकर जीवंधर कुमार ने उसका परभव सुधारने के उद्देश्य से नमोकार महामंत्र उसके कान में सुनाया। देखो क्या क्या करें बोलो, जब तक प्रयास किया जा सकता है तब तक तो प्रयास करें। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, जब तक कोशिश हो सकती है तब तक कोशिश करते हैं, डॉक्टर के ले जाते हैं, दिखाते हैं, उपचार कराते हैं। और जब कोशिश ना हो पाए, जब डॉक्टर जवाब दे दे रहे, तो क्या कहते हैं, अब भगवान का नाम अब क्या करोगे, प्रभु स्मरण करो। तो जीवंधर कुमार ने जब ये जान लिया अब समय निकल गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? बोले उसके कान में नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र सुनाया। अन्य अनावश्यक विषय सुनाने से क्या लाभ, क्योंकि मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए नमोकार महामंत्र पाथेय है। पाथेय माने मार्ग, रास्ता है। नहीं, पाथेय शब्द तो पाथेय मतलब कलेवा लिखा है उन्होंने यहाँ, पाथेय मतलब मार्ग भी होता है। पथिक जो चलने वाले को कहते हैं पथिक, और पाथेय माने जिस पर चला जाए वो मार्ग। तो ये नमोकार महामंत्र वो रास्ता है मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के लिए। पथिक को सुविधा पूर्वक मार्ग तय करने के लिए पाथेय माने कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। अभी कलेवा का भी इन्होंने कुछ अर्थ नहीं किया, और पाथेय का अर्थ इन्होंने कलेवा किया है। मार्ग तय करने के लिए कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। कलेवा माने नाश्ता ही दिया है, नाश्ता ही है। देखिए पथिक को सुविधा पूर्वक मार्ग तय करने के लिए पाथेय कलेवा अपना विशेष महत्व रखता है। थक जाने पर कलेवा करते ही मार्ग में फिर उत्साह पूर्वक गमन करना संभव होता है। रिफ्रेशमेंट हो गया, वापस फ्रेश हो जाता है वो, कोई ना कोई नाश्ता कर लेने पर। हाँ रास्ते, ये एक्चुअल में क्या है कि उस जमाने की बातें हैं सारी, जिस जमाने में वो नाश्ता कंपलसरी हुआ करता था। आज तो लोग बाजार का खाते हैं, सब जगह पर मिल जाता है बिना लिए। अपने जैसे बाजार का नहीं खाने वाले लोग वो तो फिर साथ में लेकर के चलते हैं, और अभी तो सब जगह बाजार में रेडीमेड है। लेकिन वो जमाना ऐसा था जिस समय बाजार में इस तरह की दुकानें नहीं हुआ करती थी, जहाँ तैयार नहीं मिला करता था,
और मार्ग लंबे लंबे हुआ करते थे। तो यहाँ तो अभी कितनी लंबी दूरी पर चले जाओ पहुंच जाता है, 2-4 घंटे में 6 घंटे में पहुंच जाता है। लंबी ट्रेन में ही सफर करो तो बात अलग है, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले के समय में तो क्या होता था कि यहाँ से समझ लीजिए सांगानेर भी जाना हो ना तो भोजन साथ में लेके जाते थे। पैदल जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, सुबह निकले हैं तो शाम तक पहुंचेंगे, सब चीजें साथ में रहा करती थी। तो अब ये जो भोजन है ये बहुत बड़ा बल प्रदान करता था, नहीं तो वो रास्ते में अटक जाएगा, बिना भोजन के कुछ कर नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। जिन जीवों को मोक्ष प्राप्त करना हो उनके लिए ये णवोकार महामंत्र इतना बड़ा काम करता है। और ये णवोकार महामंत्र मतलब बल प्रदान करने वाला, णवोकार महामंत्र मतलब पंच परमेश्वरियों का स्मरण करा देने वाला, णवोकार महामंत्र मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों को प्रदर्शित कर देवे, उसका नाम है णवोकार महामंत्र। अरहंत और सिद्ध ये जो दो पद हैं ये तो दिखाते हैं मुक्ति को, और आचार्य उपाध्याय और साधु ये दिखाते हैं मुक्ति के मार्ग को। तो आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वरी को देखकर मार्ग का अनुभव होता है, और अरहंत और सिद्ध भगवान को देखकर मंजिल का अनुभव होता है। तो यह नमोकार महामंत्र मंजिल और मार्ग दोनों को दिखाकर हिम्मत प्रदान करती है। देखो मुनिराजों को, अरे तुम इतने से ही घबरा गए, एक उपवास के अंदर तुम्हारी ये दशा हो गई, तुम मुनि बनोगे तो क्या करोगे, और तुम्हें यदि निरंतराय भोजन नहीं मिला और अंतराय आ गया तो क्या होगा, तुम्हें इतनी सी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ी सी तेज हवाएं लगने लग गई, जब तन से कपड़े उतरेंगे तो देखो आचार्य उपाध्याय साधुओं को। तो तुम्हें मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मानो ये णवोकार मंत्र प्रेरणा देता हो, ये पाथेय का काम करता है। ये जो उत्साह शब्द का प्रयोग किया है ना, मार्ग में फिर उत्साह पूर्वक गमन करना संभव होता है पाथेय मिल जाने पर। तो णवोकार मंत्र का स्मरण होते ही माने पंच परमेश्वरियों का स्मरण होते ही फिर उत्साह से मोक्ष मार्ग की तरफ गमन होता है, फिर उत्साह दिखता है, अरे मेरे तो कुछ नहीं है, उनको देखो तो मैं तो कुछ नहीं हूं उनके सामने, तो कितना उत्साह वापस इस मार्ग पर बढ़ने के लिए हमारे हृदय में जागृत होता है, ये बात यहाँ पता लगती है। ये उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के पथिकों को णवोकार महामंत्र परम सहायक होता है। क्या समझ में आया था? देखो कुत्ते को सैनी पंचेंद्रिय है, णवोकार मंत्र तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसका अर्थ भी उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी कषायों की मंदता जरूर हुई। णवोकार मंत्र कान में पड़ने पर थोड़ी सी कषायों की मंदता हुई, कोई संभाल रहा है, शांति होती है, कुछ कुछ अच्छी बात कुछ सुना रहा है, ये क्या कह रहे हैं। जैसे ही परिणाम निर्मल हुए, उन परिणामों की निर्मलता से वो णवोकार मंत्र के प्रभाव से मर करके वो यक्षेंद्र हो गया, देवगति में चला गया। माने कैसा योग होता है इसी तरह का, अच्छा काम होने का अवसर आता है तो योग भी अच्छे ही बनते हैं। क्या जो वास्तु वाले जिस तरह की बातें कहते हैं ना, ये शकुन अपशकुन की जितनी बातें कही जाती है इनमें कुछ दम नहीं है वास्तव में, इनसे इनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अच्छा कार्य हो रहे हो तो लक्षण भी अच्छे ही दिखते हैं। अच्छा कार्य नहीं होना हो तो लक्षण भी खोटे ही दिखते हैं। काम कैसा होना है ये बताओ, काम यदि अच्छा होना है तो आपको सब अच्छी अच्छी शुभ सूचनाएं मिलेगी, और काम यदि खराब होना है तो खराब खराब सूचनाएं मिलेगी। कहते हैं ना रोते रोते जाए तो क्यों, अभी उससे से क्या मतलब है, उससे उसका मतलब ये है कि तुमने किसी कार्य को करने में उत्साह ही तुम्हारा नहीं था, अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। कोई रोता रोता परीक्षा देने के लिए जा रहा है, अब क्या रिजल्ट आएगा, फेल होगा। और कोई बहुत उत्साह से जा रहा है, हंसते हंसते मुस्कुराता हुआ जा रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब ठीक है, अच्छा करके आने वाला है, उसकी सब तैयारी है, जिसकी सब तैयारी होती है तो बहुत उत्साह में रहता है। माने लक्षणों को देख करके लक्ष्य को पहचाना जाता है। हमने लक्षण लक्षणावास की चर्चा की थी काफी पहले, पता नहीं कितनी याद है आप लोगों को, कुछ याद है क्या। एक होता है लक्षण, एक होता है लक्षणावास। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, दो या तीन,
एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। जो निजी लक्षण हो वो आत्मभूत लक्षण है, और जो ऊपरी हो वो अनात्मभूत लक्षण है। ये साहब वो मास्टर साहब कौन से हैं आपके? कई बार आप प्रवचन में नाम लेते हो मास्टर साहब, वो कौन से हैं? बोले वो मफलर लगा करके जो आते हैं ना, क्या तो मफलर वाले मास्टर साहब ही मिलेंगे। तो ये लक्षण कैसा है? ये अनात्मभूत। ये कभी नहीं लगा करके आए तो क्या मास्टर जी नहीं रहेंगे क्या? हाँ, कभी और भी लगा के आ सकते। तो और आत्मभूत माने जो उसका हो, मैंने वैसे बीच में बात कर ली आपसे। इसी तरह से हमने लक्षण में तीन तरह के दोष बतलाए थे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। चलिए खैर, ये तो मैंने बीच में आपको याद दिला दिया। ये सारी बातें पक्की होनी चाहिए उपयोग में। साल साल भर चला था करीब करीब अपना वो मैटर, सवा साल, साल सवा साल वो मैटर चला था अपना। और मैं समझता हूँ कितने प्रवचन उस पर किए होंगे सब। तो आप बहुत भावपूर्वक उन विषयों को दोबारा देखें। बालबोध यदि जिसकी पक्की नहीं है, उसको जैन धर्म का मर्म जो है वो आसान नहीं होगा समझना। बालबोध, वितराग विज्ञान और तत्व ज्ञान, ये आठ पार्ट जिसके पक्के हो जाएं, समझ लीजिए आप, वो योग्य है। मतलब फिर कहीं भी पढ़ लो आप, जनागम के सारे विषय उसको समझ में आएंगे। और सब अवेलेबल है, सब जहाँ जो प्रवचन चाहो यूट्यूब पर खोलो, नाम देखो, विषय देखो, प्लेलिस्ट से जाके सब आज की सब उपलब्ध है। तो सुनते भी हैं लोग बहुत, मैं तो अपन लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग तो बहुत बहुत बार सुनते हैं मेरे को। देश में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं हम सुन सुन करके सारे नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, एक एक को सुन करके, एक एक को एक बार सुनने में नहीं, क्योंकि बात निकल जाती है, फिर दोबारा सुनकर दो दो तीन तीन बार सुन करके उसके पक्के नोट बनाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर क्लास लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों ने कही मेरे को इस तरह की बात। हाँ, रेखा जी भी करते हैं इस तरह की, और भी कई लोगों ने कहा ऐसा। अब वो लोग तो जो परोक्ष है ना, वो लेते हैं, हमने तो लाइव सुना है, हमें क्या जरूरत है। अब फिर लाइव में दो चार दिन कभी छुट्टी हो गई होगी तो हो गई होगी, क्या फर्क पड़ गया भाई? ऐसा नहीं चलेगा काम, पक्का करना इन सब विषयों। हाँ, चलिए नमोकार मंत्र। अब नमोकार मंत्र से शुरू किया था अपन ने, कब? 15 मार्च 2016 15 मार्च 2017 15 मार्च 2017 की बात है। हाँ, वो 2017 की बात, पिछले साल की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे हैं। ये 15, 16 और 17 दो तीन दिन चली थी अपनी, इनमें क्या क्या बातें कही। नमोकार मंत्र किसने लिखा बताओ? कुछ कर लें अपन बात। किसका लिखा हुआ है? पुष्प दंत आचार्य का लिखा हुआ है। पुष्प दंत और भूतवली, इन दोनों ने मिलकर के किसी एक ग्रंथ की रचना की थी। क्या नाम था उसका? षटखंडागम। षटखंडागम, षटखंडागम ग्रंथ की रचना। कितने खंड हैं उसमें? 6 खंड हैं उस ग्रंथ में। उस ग्रंथ में ये नमोकार मंत्र सबसे पहले लिखा गया मंगलाचरण के रूप में। भाषा कौन सी है इसकी? प्राकृत भाषा में लिखा गया। कितने अक्षर हैं इसमें? 35 अक्षर। मात्राएं कितनी हैं? 58 मात्राएं। 35 अक्षर, 58 मात्राएं। पद कितने? 5। चरण कितने? 4। किसी भी गाथा में, गाथा छंद है ये, 4 चरण होते हैं, लेकिन 5 पदों को नमस्कार किया है। स्मरण किसे किया? पंच परमेष्टियों को स्मरण किया गया, ठीक है ना। और नमोकार मंत्र आप कह रहे हो कि पुष्पदंताचार्य ने लिखा, ये तो अनादि अमिधन मंत्र है। लिपिबद्ध समय होता। हाँ, इस युग में सबसे पहले लिपिबद्ध रूप में जो हुआ वो पुष्पदंताचार्य के माध्यम से हुआ। भाव अपेक्षा से देखो, पंच परमेष्टियों की अपेक्षा से देखो तो यह अनादि अमिधन मंत्र है। ये मंत्रादि राज है, ये महामंत्र है। मैंने छोटी छोटी सी बातें, कहाँ कैसे लिखा गया, किन के निर्देशन में काम किया गया था, वो ग्रंथ जिस दिन पूर्ण हुआ था उस दिन कौन सा पर्व मनाते हैं? श्रुत पंचमी। ये जिस षटखंडागम ग्रंथ का विषय क्या था?
कर्म सिद्धांत की चर्चा है, सत प्ररूपण आदि की चर्चा है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत वैश्य की चर्चा है ना, मैंने महाबंध की चर्चा है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध की चर्चा है उसके अंतिम छठे खंड के अंदर। तो ये सब विस्तार है बहुत उसमें, षटखंडागम में 16 भाग हैं इतने मोटे मोटे, हाँ धवला के, और फिर उसके साथ में जुड़ा हुआ है जय धवला, फिर महाधवला, धवल और महाधवल के 7 भाग, फिर इसी तरह से जय धवला के 16 भाग, ये 39 पुस्तकें ऐसी है जिनका संबंध भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जुड़ा जाता है, मूल आगम है ये सब। तो ये षटखंडागम ग्रंथ सबसे पहले जिस दिन लिख करके पूर्ण हुआ, कब, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन, वो दिन क्या कहलाया, श्रुत पंचमी पर्व कहलाया। चलो आगे, तो ये नमोकार महामंत्र, महामंत्र वापस मैंने रिपीट कर दिया बहुत संक्षेप में आपको, मैंने और बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में, क्योंकि 2 दिन क्या किया होगा, तो 5 मिनट में पूरी हो गई। इन सब बातों को विस्तार से देखा था, कहानी सुनाई थी पूरी हमने आपको। नमोकार महामंत्र का महात्म्य देखिए क्या हुआ इसकी महिमा से। यक्षेन्द्रो जनी यक्षोय महोमंत्रस्य शक्तितः कालाय संहि कल्याणं कल्पते रति योगितः। आश्चर्य है यह कुत्ते का जीव मंत्र के प्रभाव से यक्ष जाति के देवों का स्वामी हुआ। क्या ये मंत्र के प्रभाव से यक्ष जाति के इंद्र, यक्ष जाति के देव, उनका स्वामी यक्षेंद्र वो हो गया। कौन है ये, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ यक्ष कौन है ये। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः, सत्वार सूत्र के 4th अध्याय का सूत्र है। क्या कहा है इसमें, व्यंतरः व्यंतर किन्नर किम पुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार हैं किन के, व्यंतरवासी देवों के। व्यंतर हो गया मर करके यक्ष, और उनका हो गया इंद्र, यक्षेंद्र बन गया किसके प्रभाव से, नमोकार महामंत्र के प्रभाव से। आप देखिए ये नमोकार महामंत्र ये कान में पढ़ना मात्र ये कितना उपयोगी होता है, नमोकार महामंत्र कान में पड़ जाए वो भाग्यशाली है, अभावों के कान में नहीं पड़ता। इसलिए हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बच्चों को सबसे पहले यदि कुछ स्मरण कराया जाता है तो नमोकार महामंत्र है सबसे पहले। हाँ, जब जब से कुछ वो समझने लगता है बोलने लगता है तब से नमोकार मंत्र सिखाया जाता है, और मरने लगता है तब तक नमोकार मंत्र कान में सुना दो उसको, अंत भला तो सब भला। माने ऐसा शायद ही कोई जैन हो जिस जैन को ये नमोकार मंत्र याद न हो, शायद ही कोई मिले। आज मिल सकते हैं कुछ इस तरह के लोग भी, हिंदुस्तान में तो नहीं, हिंदुस्तान में तो नहीं लगते हैं ऐसे, लेकिन विदेशों में कई परिवार ऐसे दिखते हैं जिन परिवारों में बच्चे तो हैं लेकिन वो यही नहीं पता उनको कि हम जैन भी हैं, या ये पता है हम जैन हैं तो नमोकार मंत्र ही नहीं पता। आपको जान के एक आश्चर्य होगा, लंदन में अभी एक ऐसा परिवार मिला, कहना तो नहीं चाहिए चर्चा, वो परिवार जैन, दिगंबर जैन परिवार, और युवा साथी अपने तो आते नहीं थे धर्म करने के लिए, धर्म ध्यान के लिए कभी भी, संयोग से जयपुर के ही थे, और मालूम चला कि जयपुर के पंडित जी आए हैं तो मुझे भोजन करने के लिए ले गए घर पे। फिर समझा कि कुछ चर्चा की, छोटे बच्चे थे उनके, एक बेटा था उनका, कोई होगा 8-10 साल, 10-1 साल का होगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और भगवान कौन होते हैं, या अपने भगवान का नाम, आपको जान के आश्चर्य होगा भगवान का नाम नहीं बता सका जैनियों के, भगवान कौन से होते हैं, अपने भगवान कौन से होते हैं ये बात नहीं बता सका। मैंने नमोकार मंत्र पूछा तो नमोकार मंत्र नहीं सुना सका। जयपुर का है, 8-10 साल से वहाँ हैं, बोलो 1-2 साल का बालक वहाँ चला गया, उसके बाद में कोई सिखाने समझाने वाला नहीं। और मैं यदि उनके परिवार के बारे में बतलाऊँ आपको, जो बतलाना नहीं चाहता मैं,
मैंने यहाँ जयपुर के प्रतिष्ठित एक जैन परिवार से, और ये हालत है, बच्चों को नमोकार मंत्र भी नहीं सिखाए, कोई मतलब ही नहीं किसी को, माँ बाप की गलती नहीं। आप नमोकार मंत्र नहीं सिखाओ, अपने भगवान का परिचय नहीं कराओ, हमारे भगवान कौन है। और देखिए मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ, ये दिन दूर नहीं है आपकी आगामी पीढ़ी में, यदि आपने ये संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो। आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अपने परिवार में तो अपने बच्चों को तो आता है, अपने बच्चे तो, अपने बच्चे तो। अरे तुम्हारे बच्चों को ये संस्कार यदि गहराई से नहीं दिए गए तो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और नमोकार मंत्र भी यदि पता हो, नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं पता हो, तो क्या कर लेगा व्यक्ति? ये कैसी महिमा है, ये कितना बड़ा मंत्र है। और फिर कोई लोग जो मंत्र मंत्र समझते हैं, उदय तो समझते हैं, कोई संकट का काल आ जाए तो मंत्र का जाप कर लो, इतना समझते हैं। कितना बड़ा चमत्कार हो गया, यहाँ मरते हुए जीव को सुन लिया और वो इंद्र हो गया मर करके, कितना बड़ा काम हो गया है इस मंत्र से। भाई परिणाम शांत हुए थे, तुम्हें सुहाता है कि नहीं नमोकार मंत्र? तुम्हें नमोकार मंत्र की चर्चा पसंद आती है या नहीं? नमोकार मंत्र बोलते समय तुम्हें ऐसा तो नहीं, ये क्या नमोकार मंत्र लेकर के बैठ गए, ये ऐसा तो नहीं होता है कहीं? सोचना जरा गहराई से, नमोकार मंत्र के प्रति विराधना का भाव तो नहीं आता है तुम्हारे को? कभी किसी विशिष्ट प्रसंगों पर क्या आपका भाव होता है कि हम नमोकार मंत्र का स्मरण करें? बोलो, दिन की शुरुआत क्या आप नमोकार मंत्र के स्मरण से करते हैं? सुबह उठते ही पहले नमोकार मंत्र बोलना, सोते समय नमोकार मंत्र बोल करके सोना, क्या होगा इन सब बातों का यदि वो जीवन में नहीं है और बच्चों के जीवन में नहीं दिखाई दे रही है तो? क्यों नमोकार मंत्र बोलना? नए साल की शुरुआत नमोकार मंत्र से करना करते कई बजे नहीं करना चाहिए, भक्ति से उत्साह से साधना ऐसे कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हे क्या है बेकार, क्या क्या दम है इन सब बात। अरे भाई साहब इन विराधना तो मत करो, कम से कम प्रथम तो स्वयं को ऐसा करने का विकल्प नहीं आया, और कदाचित किसी को विकल्प आ जावे तो उसका विरोध तो मत करो, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो। ये खराब चीज नहीं है, ये अहंकार मंत्र खोटी चीज नहीं है, इससे क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पंच परमेष्ठियों का स्मरण तो है, अच्छे के लिए मत करो, ग्रहित मिथ्या तो मान करके मत करो, इससे कोई कल्याण हो जाएगा ये मान करके मत करो, लेकिन ये नमोकार महामंत्र तो है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण तो है, जब इस मंत्र का जाप किया जाए तभी अच्छा है, जितना स्मरण किया जाए उतना अच्छा है, ये प्राणों से प्यारा है ये नमोकार महामंत्र, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, इतना होना चाहिए। ये पूज्य हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी पूज्य हैं, उनका स्मरण कराता है, मुक्ति और मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाला है। देखो क्या लिखा यहाँ, देवों का स्वामी हो गया, अत्र नीति है, निश्चय से अत्यंत काला लोहा भी रस के संबंध से स्वर्ण रूप हो जाता है। बोलो ये क्या गजब, कैसे नीतियां बतलाते हैं, अत्यंत काला लोहा हो और ये काला लोहा भी रस के संपर्क में आने से सोने का हो जाता है, कोई ऐसा सोना बनाने की विधि हो, सोना बनाने का कुछ रसायन हो उससे हो जाता है, और पारस पत्थर हो किसी के पास में तो उसके छूने से, उस पर घिसने से, घर्षण से वो लोहा भी सोना बन जाता है, बिल्कुल काला हो लोहा तो भी वो गोल्ड जैसे चमकने लगता है। इसी तरह से पापी जीव भी इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वे पाप से मुक्त और धर्मात्मा हो सकते हैं और मोक्ष मार्ग पर गमन कर सकते हैं, पापी से पापी जीव भी। अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है, कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था अपना ही, 47 शक्तियों पर प्रवचन थे, 2 साल पहले देवलाली में किए थे, नवंबर 2016 में, मैं वो शक्तियों पे प्रवचन सुन रहा था तो मैंने अंजन चोर का उदाहरण दिया वहां। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, फिर जब वो पूरा सुना तो समझ में आई कि वो किस दृष्टि से वो कहा गया, और श्रद्धा के अर्थ में कि ये नमोकार महामंत्र से ये सिद्धि हो जाएगी, ये श्रद्धा ये विश्वास यदि आपके पास में है, विश्वास के बल पर ही तो उसे आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई, और क्या था बतलाओ। उसके पहले वाला जो व्यक्ति था जो बार बार में उतर रहा था चढ़ रहा था, उसको विश्वास नहीं था ना, वो डर रहा था ना,
माने एक बार श्रद्धा पूर्वक आप नमोकार मंत्र का स्मरण तो करो, विश्वास तो रखो आप, ये चमत्कार है, ये अद्भुत शक्तियां हैं इस नमोकार महामंत्र में, जो कान में पढ़ने मात्र से उस कुत्ते को देव बना सकती है, इंद्र बना सकती है, ये क्या नहीं करने में समर्थ है ये शक्तियां, लेकिन श्रद्धा विश्वास। एक बार ध्यान रखना, कोई काम अटक जाए तो काम को निपटाने के लिए जाप करने मत बैठना, क्या फिर वो मान्यता खोटी हो गई आपका, आपका इंटेंशन गलत हो गया, फिर नमोकार मंत्र को आपने दर्द मिटाने की दवाई समझ लिया है ना। हाँ, दर्द हो तो आप बोल लो, ऐसा नहीं भाई, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से आप पंच परमेष्ठियों का स्मरण करें, काम तो सहज होते हैं। ऐसा श्रद्धा थी उसे, नहीं नहीं उसे उसे सेठ के वचनों पर श्रद्धा थी, ये सेठ के वचन गलत नहीं हो सकते, ये जो बात कही गई है ये बात भरोसे की है, तो आपके अंदर में अनंत शक्तियां हैं तो प्रकट क्यों नहीं हो रही है, कि भरोसा ही तो नहीं है, प्रॉब्लम तो ये, आपको भरोसा है क्या? सबसे पहली चीज है भरोसा, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए सबसे पहली चीज भरोसा है। तबीयत खराब हो रही है, अब आप ये कहो ठीक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अभी और बिगड़ेगी, फिर बिगड़ी रहेगी, अब मुझे मालूम है अब तो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर नहीं होगी। सबसे पहले तो ये विश्वास रखो और ये बोलना शुरू करो कि नहीं ठीक हो जाएगा, क्या सबसे पहले तो ये विश्वास चाहिए कि नहीं नहीं साहब अब तो हालत बहुत बिगड़ गई है, अब तो हालात बहुत बिगड़ गए हैं, बिगड़ गए होंगे, अब नहीं बिगड़ेंगे, पहला पहला विश्वास ये हो अंदर में, अब नहीं बिगड़ेंगे, अब नहीं बिगड़ेंगे, अब सुधरने का काल आ गया है, अब ठीक होने का काल आ गया है, ये विश्वास, सही डॉक्टर मिल गए हैं, सही इलाज हो रहा है, अब तो सुधरेगा ही, अब यदि आपको ये विश्वास है तो विश्वास होते आधा काम तो हो गया। ये विश्वास की कमजोरी से व्यक्ति आधा तो वैसे ही डाउन हो जाता है, विश्वास की जरूरत है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, उस कुत्ते का के साथ में क्या हुआ, विशेषार्थ पढ़े कि सरल अर्थ, जिस प्रकार रसायन के प्रभाव से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार वे कुत्ते का जीव मरकर नमोकार महामंत्र के प्रभाव से यक्षेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। जैसे अत्यंत काला लोहा भी रसायन के प्रभाव से स्वयं स्वर्ण रूप परिणमित हो जाता है, वैसे ये नमोकार मंत्र के निमित्त से कषाय परिणामों में मंदता आती है। क्या नमोकार मंत्र के प्रभाव से कषाय परिणामों में मंदता आती है, मंत्र कुछ नहीं कर देगा, अरे शब्द कान में पड़ रहे हो और इस व्यक्ति के उपयोग में कुछ और चल रहा हो तो शब्द क्या कर लेंगे, आपका मन उन शब्दों के साथ में जुड़ना चाहिए, समझ में आ रही है बात, आपके मन में भाव भाषण हो उन शब्दों के साथ में, तब जाके काम होगा। देखिए वैसे ही नमोकार मंत्र के निमित्त से कषाय परिणामों में मंदता आती है, जिसके फलस्वरूप पुण्य परिणाम होते हैं और उसी समय पुण्य कर्म का बंध भी होता है, पुण्य परिणाम भी होते हैं और पुण्य कर्मों का बंध भी होता है। यहाँ कुत्ते के जीव को अपने पुण्य परिणामों से देवायु का बंध हुआ और उसके निमित्त से वह कुत्ता यक्षेंद्र हो गया। बोलो अब ये नमोकार मंत्र से हुआ कि अपने परिणामों से हुआ, सच बात तो ये है परिणामों से, यक्षेंद्र बना तो वैसा कर्म बांधा था ना उसने, यक्षेंद्र बनने रूप कर्म बांधा होगा, वो पुण्य कर्म बांधा तो कैसे बांधा, अपने उज्ज्वल परिणामों से, अब उन उज्ज्वल परिणामों में निमित्त कौन है, नमोकार महामंत्र, उज्ज्वल परिणामों में निमित्त कौन बन गया, नमोकार महामंत्र उसमें निमित्त बन गया, तो वो नमोकार मंत्र के निमित्त से परिणाम निर्मल हुए, परिणाम निर्मल होने से पुण्य बंधा और पुण्य बंधने से वो मरकर यक्षेंद्र हो गया। देखिए नमोकार महामंत्र का जाप उपयोगी, क्या कह रहे उपादान की ताकत हो तो निमित्त कैसे नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे होता, ऐसा होता ही नहीं। देखिए मरण क्षण लब्धेन येन श्वादेवता जनी पंच मंत्र पदम जप्य मिदम केन न धीमता, मरण के समय प्राप्त जिस मंत्र से कुत्ता देवता हो गया,
तब किस बुद्धिमान से ये पंच नमस्कार नमोकार मंत्र जपने योग्य नहीं है, अर्थात सभी के द्वारा जपने योग्य है? बोलो, एक कुत्ते जैसा सामान्य प्राणी भी जब देव हो सकता है, तो फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब बुद्धिपूर्वक इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो क्या गजब चमत्कार होंगे उसके जीवन में।